कन्नौज नगर पालिका अध्यक्ष कौशल जहां एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका सभासद के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बनाए रखने की दिशा में सभासदों द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा हुई। साथ ही नगर में साफ सफाई, जल की व्यवस्था के साथ साथ आवास व्यवस्था को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। क्या चर्चाएं हुई हैं इन विकासों को लेकर जो है बैठक में चर्चाएं? अबाउट क्लीनिनेस, वाटर एंड अबाउट द रोड, एजुकेशन। आज नगर पालिका की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी सभासदगण मौजूद थे। माननीय अध्यक्ष महोदया की उपस्थिति में आज बोर्ड बैठक संपन्न कराई गई। तो क्या लगता बैठक में क्या क्या जो है फैसले लिए गए हैं, किस तरह का विकास किया जाएगा नगर में? बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। सम्मानित सभासदों ने विभिन्न प्रकार के मुद्दे हमको बताए थे, सफाई से संबंधित और पानी से संबंधित। इसके अलावा उन्होंने राशन कार्ड से संबंधित भी कुछ चर्चा करी कि जो राशन की क्वालिटी है, जो वितरण हो रहा है, वो सही क्वालिटी का नहीं है, जिस पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बारे में उन्होंने शिकायत करी थी, जिसके बारे में नोट कर लिया गया है। पिछले दौर से देखा जाए इस बार जो है नगर पालिका के काफ़ी क्षेत्र बढ़ाए हैं, तो क्या चुनौतियाँ पालिका के लिए? नगर पालिका के पास बहुत चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है। और जनता से भी हमारा अनुरोध है कि जो हमारे टैक्स हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसके लिए हमको, क्योंकि नगर पालिकाएँ ऑटोनोमस बॉडी हैं, स्वायत्त निकाय हैं, तो हमको, क्योंकि खुद हम पैसा जब हमको जनता देगी उसी से हम कार्य कराते हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि जनता हमको जो हमारे टैक्स बकाए हैं उसको पूरा दे, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य करा सकें। स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कूड़े कूड़े और सूखे कूड़े के लिए क्या अलग तरह से जो है बनाया जाए, उसके लिए कन्नौज में प्लान क्या तैयार किया गया है, और अगर तैयार किया गया है तब तक चालू हो जाए? हमारा अजय पाल पे कूड़ा प्लांट है। इसके अलावा हमारे पास MRF सेंटर भी है, जो चालू स्थिति में है। उस पर हम लोग लगातार सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भी कर रहे हैं, और आगे भविष्य में उस पर कार्य भी किया जाएगा। अच्छा, ठिकाने में रोड जाने वाली बहुत खराब है, उस पर कब तक क्या होगा? सिखाने वाली रोड की समस्या अभी वार्ड मेंबर ने हमें बताई भी थी, उस पर विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही कार्य करवाया जाएगा। पानी के टैंक, ओवरहेड टैंक, सीवर की व्यवस्था भी जल निगम देख रहा है। जैसे हमारे पास शिकायत आती है, हम जल निगम को भेज देते हैं। मैम, एक समस्या और नगर से निकल कर आ रही है, पेयजल की जो है कमी ज़्यादातर मोहल्लों से निकल कर सामने आ रही है, तो उचित स्थान पर मोहल्ले बसे हुए हैं वहाँ पर पानी कम जा पा रहा है, तो इसके लिए नगर पालिका क्या बंदोबस्त करेगी? जो ऊँचे स्थान है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल लगाने के हमारे प्रस्ताव पारित हो रहा है इसमें सदन में, और हम वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल लगाएंगे, जिसको हम बड़े ट्यूबवेल से कनेक्ट करेंगे, तो वो जो ऊपर की जो एरिया है उसमें पानी पहुँचने लगेगा।